आ रही है मानसर उपचुनाव को लेकर के, जहां पर बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी का ऐलान है वो किया गया है। आपको बता दें कि निर्वाची पदाधिकारी से उपायुक्त छवि रंजन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीसी ने उपचुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है, साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। उपचुनाव को लेकर यह बैठक कलेक्ट्रेट भवन में भी की गई है। और इस बीच बीजेपी प्रत्याशी की बात सामने आ रही है, और आपको बता दें कि मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने गंगोत्री कुचूर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई। गंगोत्री कुचूर ने मांडर से 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से बीजेपी में कई जो नाम थे वो चल रहे थे, और उसमें एक नाम गंगोत्री कुचूर का भी सामने आ रहा था, लेकिन रेस में सबसे आगे इसलिए वो बताई जा रही थी क्योंकि 2014 के इलेक्शन में भी इनको उम्मीदवार बनाया गया था और अच्छी पैठ मानी जाती है उस इलाके में। और इस बीच बड़ी खबर, जहां मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, बीजेपी ने गंगोत्री कुचूर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई। गंगोत्री कुचूर ने मांडर से 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सस्पेंस बीजेपी को लेकर के बना हुआ था कि प्रत्याशी कौन होगा, गंगोत्री कुचूर को फाइनल किया गया, किस तरीके से इस नाम को देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट वहां से? कई दिनों से कह सकते हैं बीजेपी ने अपना पत्ता नहीं खोला था प्रत्याशी को लेके, पर अब मांडर उपचुनाव को लेके बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा कर दी है। गंगोत्री कुजूर को मांडर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि यदि बात करें तो एक सरकार की तरफ से जो बंधु तिर्की की बेटी है महागठबंधन की, वो प्रत्याशी है, और विपक्ष की तरफ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी आज गंगोत्री कुजूर के रूप में दे दिया है। क्योंकि यदि मांडर उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं सीधा जो टक्कर है वह बीजेपी और जो सरकार है माने महागठबंधन, इन दोनों प्रत्याशियों के बीच ही वहां पे मुकाबला होना है, और यह मुकाबले कांटे की होगी। क्योंकि गंगोत्री कुजूर की बात करें तो गंगोत्री कुजूर भी पहले मांडर से विधायक रह चुकी हैं, और कहीं ना कहीं पूरा मांडर इलाके की बात करें तो ट्राइबल बेल्ट है, और ट्राइबल बेल्ट होने के नाते ही कह सकते हैं जो प्रत्याशी की घोषणा में जो इतनी देरी हुई है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश की जा रही थी, और काफ़ी सोच विचार करके फिर से एक बार गंगोत्री कुजूर को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, ताकि वे जो नेहा तिर्की हैं उनको वहां पे टक्कर दे सके। क्योंकि यह मुकाबला यदि अब देखा जाए तो काफ़ी कह सकते हैं ऊपर नीचे 19-20 का मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि मांडर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पे ट्राइबल और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी तादाद अधिक है, यानी वहीं पे उनका जो वोटर हैं वे डिसाइड करेंगे कि किसका पलड़ा इस बार चुनाव में भारी होगा। क्योंकि गंगोत्री कुजूर भी ट्राइबल से आती हैं, समुदाय से आती हैं, और उनका भी वहाँ पर उतना ही कह सकते हैं कार्य के जो कार्य की हैं उसके कारण उनकी भी उतनी पहचान है जितना बंधु तिर्की का रहा है। हालांकि बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, और उसके बाद यह नौबत आई कि वहां पे उपचुनाव किया जाए। 23 तारीख को वोटिंग वहां पे होना है इस उपचुनाव के लिए, और कहीं ना कहीं अब कांटे की टक्कर वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को अपना प्रत्याशी बनाया है, और दूसरी ओर बंधु तिर्की की जो बेटी है वे वहां से प्रत्याशी मनोनीत हुई है, प्रत्याशी बनी है, जिसका समर्थन पूरा गठबंधन कर रहा है। और इस उपचुनाव में यदि देखा जाए तो जो वोटर हैं वहां पे, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के जो वोटर्स हैं या फिर जो आदिवासी समुदाय के जो वोटर हैं, कहीं ना कहीं वे इन दोनों के जो भाग्य का फैसला है वे 29 तारीख को करेंगे। और दोनों कैंडिडेट की यदि बात करें तो दोनों कैंडिडेट की उतनी ही पकड़ उन इलाकों में है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट, चाहे बंधु तिर्की जो उनकी बेटी इस बार चुनाव लड़ रही है तो बंधु तिर्की के नाम से उनको वोट मिलेंगे, वहीं यदि गंगोत्री कुजूर की बात करें तो एक टर्म वहाँ पर विधायक रह चुकी हैं, और लगातार पिछले जब चुनाव हुई थी विधानसभा की उसके बाद
भले वहाँ पे उनको जीत नहीं मिली थी, पर वे अपने पूरे गांव जो मांडर विधानसभा है वहाँ की जनता के साथ जुड़ी हुई थी, जो जन समस्याएं हैं उनसे हमेशा रूबरू होती रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा इस चुनाव में उनको जरूर मिलेगा। और दूसरी ओर जो बंधु तिर्की का मांडर में जो कार्यशैली रहा है या फिर लोगों के बीच उनकी जिस तरह की बैठ है, तो उसका फायदा उनकी बेटी को मिलेगा। पर देखना होगा कि इस बार जो सेहरा है किसके सर पे होता है, क्योंकि दोनों तरफ कांटे की टक्कर इस बार इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। आखिरकार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी इस बार गंगोत्री कुजूर के रूप में घोषित कर दिया है। अब देखना होगा कि गंगोत्री कुजूर कब नामांकन करती है, क्योंकि नेहा तिर्की जो है बंधु तिर्की की बेटी और मांडर की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कर लिया है। अब गंगोत्री कुजूर को देखना होगा, क्योंकि 6 जून को नामांकन की अंतिम तिथि है और उससे पहले संभवतः अब उनको नामांकन करना होगा इसमें। जी संदीप, जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की को जेएमएम फुल सपोर्ट करी है, शिबू सोरेन का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था नॉमिनेशन के पहले, हेमंत सोरेन भी शामिल थे, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से जेएमएम जो है वो पूरा सहयोग कर रही है शिल्पी नेहा तिर्की को, और एक तरफ जो बीजेपी है वो अपनी पैठ जरूर गंगोत्री कुजूर की है उस इलाके में, तो क्या लगता है कि जो ये फैक्टर है जिस तरीके से जेएमएम और शिबू सोरेन परिवार मदद कर रहा है शिल्पी नेहा तिर्की को, ये कितना काम करेगा और कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी होगी? जी, बीजेपी के लिए चुनौती जरूर होगी, क्योंकि यदि गठबंधन की जो प्रत्याशी है शिल्पा नेहा तिर्की और उनकी जो पिता रहे हैं बंधु मांडर से, कई बार विधायक रहे हैं और कई बार मंत्री भी बनाए गए हैं, पर यदि दूसरी ओर देखा जाए विपक्ष में यदि बीजेपी ने जो प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के नाम को बनाया है, तो एक बार वो जरूर विधायक वहाँ पे रही है, क्योंकि यदि वहाँ वोट बैंक भी देखा जाए तो आदिवासी समुदाय का जो वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक मांडर में है, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय का भी एक जो हिस्सा है काफ़ी अधिक है वहाँ पे, यानी मतदाताओं की बात करें तो दोनों का रेशियो लगभग वहाँ पे बराबर है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर जो गठबंधन की कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा। दूसरी ओर यदि बात करें बीजेपी के इस कार्ड के यानी गंगोत्री कुजूर के, तो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं जरूर गंगोत्री कुजूर को वोटिंग करेंगे, पर देखना होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के जितने लोग हैं बीजेपी को कितना समर्थन वहां पे करते हैं और इसका फायदा कितना बीजेपी को होता है या फिर कांग्रेस या गठबंधन की जो सरकार है उसको कितना फायदा होगा, तो यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। 23 जून को वहां पे मतदान होना है। हालांकि जो समीकरण है तो उस समीकरण को देखा जाए तो दोनों जो प्रत्याशी हैं अपनी जो जी जान लगा रहे हैं वहाँ पर, चाहे चुनाव से पहले की यदि बात करें तो लगातार 2-3 साल जो रहा है गंगोत्री कुजूर ने भी लगातार वहाँ पे अपना पसीना बहाया है, जो विधानसभा उनका है क्योंकि उससे पहले भी वे विधायक रहे हैं, और उन विधानसभा में जिस तरह की जो समस्या है उस समस्याओं को अपने स्तर पे भी कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो इन चीज़ों को भी लगातार जो कैंडिडेट हैं उन्होंने देखा है और उन समस्याओं को समाधान करने की पहल भी की है, तो जनता का कितना समर्थन गंगोत्री कुजूर को मिलता है या फिर जो शिल्पा नेहा तिर्की है जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं या फिर महागठबंधन की कैंडिडेट है, या 23 तारीख को स्पष्ट होगा मतदान के बाद और 26 को इसके लिए मतगणना होगी, तो किसके सर पे मांडर उपचुनाव का सेहरा चढ़ेगा वह देखने वाली बात होगी। हालांकि एक बात जरूर स्पष्ट है कि यह मुकाबला कांटे की टक्कर के समान होगा और देखना होगा जो भी जीत होगी बहुत अधिक के फासले से नहीं होगी। चलिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ संदीप।